फूड प्लस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो अभी मैं आपको टाइम दिखा दूँ, तकरीबन 11:30 होने वाले, नाश्ते वाश्ते से जो है ना हम फ्री हो गए हैं और मेड जो है वो क्लीनिंग करके भी चली गई है। मैंने सोचा मैं थोड़ी सी जो है ना आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर लेती हूँ। मैं एक मिनट जूसर उठा लूँ, कुछ फ्रेंड्स कह रहे थे कि उन्होंने ये देखना है जूसर, ये मैंने इधर स्टोर में रखा था। अभी ये मेरे जूते देखो, बच्चों ने मेरे जूते कहाँ रख दिए। मैं आई थिंक जूता नहीं दिखाया था, ये मैं जूता भी लाई थी उस दिन, वो जो वाइट वाला मैंने सूट लिया था ना, ये मैं उसके साथ मैच करके लाई थी, ऑफ वाइट कलर का। और ये यहीं पर, जब आप देखते हैं ना स्टोर क्लीन हो गया, जगह खाली हो गई है, तो फिर और चीज़ें ख़रीदना शुरू हो जाते हैं, फिर इसको जल्दी जल्दी भर लेते हैं और फिर क्लीनिंग की मुसीबत रहती है। खैर, ओ माय गॉड, गिरने लगा था। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये खोल के आप लोगों के सामने खोलते हैं, क्योंकि मेरा जूस पीने का मूड हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं इसको जो है ना इसकी रिकॉर्डिंग भी करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। तो ये सबसे पहले मैं आपको प्राइस बता दूं, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स मुझसे पूछेंगे प्राइस, ठीक है। और ये ब्रांड मैंने क्यों लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है और रीज़नेबल है, सस्ता मिल जाता है और मोटर बहुत अच्छी होती है, काफ़ी टाइम तक चलता है, ठीक है। यही थी एक सिंपल सी बात। बाकी जो मेरा पहला जूसर था, उसकी मोटर जो है ना वो अभी तक ठीक है, वो भी सेम ब्रांड का ही था, वो उसकी मोटर अभी तक ठीक है। वो मेरे जहेज़ का था, मुझे 13 ईयर्स हो गए उसको यूज़ करते हुए, लेकिन उसके ऊपर से जो है ना वो ऊपर जो होते हैं ना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, वो घिस गया है ऊपर से। और आई थिंक मैं जो है ना मोबाइल उसको ट्राईपॉड पे सेट कर लेती हूँ एक मिनट, ताकि मैं इजीली जो है ना आपको खोल के दिखा सकूँ। तो मैं आप लोगों को ना इधर ट्राईपॉड पे बिठा दूँ, फिर मैं इसको खोलती हूँ, ठीक है। वहाँ जो है ना किचन में जगह नहीं बन रही थी, तो मैं इसको यहाँ पर ले आई हूँ टेबल पर, तो यहाँ पर खोल के आपको दिखाती हूँ मैं। तो सबसे पहले जो है ये इसके साथ इसका जो है इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, और ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो भी होती हैं, ये होता है ना हर चीज़ हर मोटर के साथ ऐसी चीज़ जो कि हमने कभी नहीं पढ़ी। वैसे पिछला जो जूसर है ना, वो उसका जब कीमा बनाने वाला, जब कीमा बनाना होता था तो मुझे समझ नहीं आती थी, तो फिर मैं उसका जो है ना ये इंस्ट्रक्शन बुक उसकी ज़रूर देखती थी। तो वैसे ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ होती है, बस हम लोग देखने में ज़रा जो है ना सुस्ती करते हैं। और ये है इसका वारंटी कार्ड, 2 ईयर्स की वारंटी है इसके साथ। और वैसे मेरे हस्बैंड ने बहुत मुझे कहा था कि एक ही दफ़ा अच्छी चीज़ ले लो, पता नहीं क्यों मैंने सोचा नहीं ये ले लेते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी टाइम तक चलती हैं और सस्ती मिल जाती हैं, जैसे दूसरे जो है ना बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। और ये जिसके साथ एक जग है जूस के लिए, ठीक है। और मैं इसको खुद फर्स्ट टाइम खोल के देख रही हूँ, और ये है, मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी, मुझे लगता है ऐसे समझ नहीं आएगी। और ये है जनाब इसकी फुल मोटर, छोटी सी मशीन है इसकी और इजीली हैंडल हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से मशीन है, आई थिंक ये इधर आएगा, जग इधर आ जाएगा, इसके अंदर कैप है, जब जूस बनाते हैं तो उसमें झाग आ जाती है और ये इसमें जो है ना इस तरह से लग जाता है, ये देखें इस तरह से इसके अंदर लग जाता है। एक मिनट में निकाल के दिखा देती हूँ, इस तरह से ये लग जाता है और ये इसका कैप है इस तरह से, ठीक है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं जूस डालने के लिए, ठीक है। ये हो गया इसका जग, और यहाँ से ये खुल जाता है, खुल जा वे भरावा खुल जा, बड़ा हार्ड है ये, ये देखें इस तरह से खुलता है, ये कवर है। और यहाँ पर जो सारा है वेस्ट आ जाएगा इसके अंदर। ये क्या है, ये ब्रश है आई थिंक, ये जो है ना ब्रश, ये क्लीनिंग के लिए है, यस ऐसा ही है, क्योंकि ये जो होता है ना ये चीज़, ये ब्रश के बगैर क्लीन नहीं होती। और ये क्यों नहीं निकल रहा, हाँ अच्छा, जो मेरी पिछली थी ना जूसर, उसका जो ये चीज़ थी ना यहाँ पर, ये उसके घिस गए थे और फिर मैंने न्यू लगवाए, तो वो भी उसके ऊपर सही से फिट नहीं होते,
इस वजह से जो है ना वो प्रॉब्लम कर रही है, अदरवाइज़ वो मोटर जो है वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुई। उसको 13 ईयर्स हो गए मुझे यूज़ करते हुए और कभी भी ख़राब नहीं हुई, और ये फिर इस वजह से मुझे जो है ना न्यू जूसर लेना पड़ा है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे पूरा सेट ले लो, मैंने कहा नहीं मुझे पूरे सेट की क्या करना है, मुझे पूरे सेट का ही, तो मैं जो है ना सेपरेट जूसर ही ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो है सर्दियों में जूस पीते हैं शौक से, हम खुद भी पीते हैं, मैं भी पीती हूँ, बच्चे भी पीते हैं। तो अभी मैं इसको फिक्स कर लूँ, ठीक है, बस यही है, छोटी सी मशीन है ये, और वॉश करनी सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है ना मुझे जूस बनाने के बाद जूसर को वॉश करना सबसे मुश्किल काम लगता है, लेकिन ये छोटी सी है तो इजीली वॉश हो जाएगी, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलें अभी फिर सुबह का टाइम है, फिर हो जाए एक गिलास जूस, चलें फिर अभी जल्दी से चलते हैं किचन में और जूस बना के पीते हैं। टाइम हो गया है और बच्चे आ गए हैं स्कूल से, सॉरी आज बच्चे जो है ना स्कूल नहीं गए थे, वो ट्यूशन गए थे क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो उसकी वो तैयारी कर रहे हैं। तो अभी लंच ब्रेक के लिए आए हैं वो घर में, तो मैं उनके लिए जूस बना रही हूँ, तो उन्होंने भी बनाना है, साथ नई मशीन देख के तो उनको है कि हम खुद बनाएँ, तो इस वक्त जो है वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो मैंने आई थिंक इसके प्राइस नहीं बताए थे, ये है 5,550 रुपीज़ की, और इस वक्त मेरे पास जो है वो किनू नहीं रखे हुए थे, मौसमी रखा हुआ था, तो उसी का हमने जूस बनाया, तो वो शाम में जो है ना किनू लेकर आएंगे, उसका बनाएंगे फिर। तो बस अभी जो है जूस हमारा बनके तैयार हो गया है, और अभी जो है मैं लंच बना रही हूँ बच्चों के लिए, और आज जो है बच्चों को लंच में बना के दे रही हूँ पोटैटो कटलेट्स, उसके लिए जो है मैंने पोटैटो बॉयल कर लिए हैं, बस अभी जल्दी जल्दी उनके लिए बनाती हूँ, जूस पी लेंगे अभी, और जब तक जो है मैं कटलेट्स बना लूँगी। इस दौरान में उनके कारी साहब आते हैं, तो वो इतनी देर में जितनी देर में मैं लंच बनाऊँगी तो वो अपने कारी साहब से पढ़ लेंगे, और उसके बाद जल्दी जल्दी लंच करेंगे, और फिर जो है उन्होंने वापस जाना है ट्यूशन पर क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। तो बस जल्दी जल्दी काम करते हैं और आपसे मुलाकात करेंगे शाम में, ठीक है। जा रहे हैं सब्जियां लेने, इस वक्त जो है 5:30 हुए होंगे, चले 5:10 हुए होंगे, गोलगप्पे भी लेकर आने हैं, मेरी बहुत दिनों से चुल्ल मची हुई है गोलगप्पे खाने की, मैंने गोलगप्पे खाने, हम खाली गोलगप्पे ले आएंगे, बनाऊंगी मैं घर पे क्योंकि बाहर के गोलगप्पे मुझे पसंद नहीं है। बच्चे आ रहे हैं, कोई बच्चा उतर रहा था हमने तो नहीं है, नहीं, कोई और बच्चा है, चले हम अभी, उनको छुट्टी नहीं हुई, होने वाली है, हौली हौली निकलना शुरू हो चले। तो फ्रूट्स भी लेने हैं और गोलगप्पे लेने हैं, गप्पे मैं ले आई थी और अब मैं उसका पानी बनाऊंगी। यहाँ पर जो है इमली मैंने पहले से डिप करके रखी हुई थी ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, तो अभी हम इसका पानी बनाते हैं, और इसको उफ पानी ठंडा है, हाथ के साथ कोशिश करना है कि आपने अच्छे से मैश कर ले, अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आपको अच्छा नहीं लगता तो आप जो है ना स्पून यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे जो खट्टे का मज़ा आता है वो स्पून से थोड़ी आना है। हाथ लेकिन पहले लाजमी धो लें अच्छी तरह से, मैंने भी धो लिए हैं, फिक्र ना करें, और ये जो गुटली है इसको मैं निकालूंगी नहीं, इसको मैं इसके अंदर ही रहने दूंगी, अच्छे से जो ये मैश हो गया अब मैं इसमें डालूंगी, मैं एक दफ़ा हैंड वॉश कर लूं फिर मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी जी। तो अभी मैं इसमें डालूंगी नमक, और इसमें हम डालेंगे चीनी थोड़ी सी डालेंगे, फिर बहुत अच्छा जो है खट्टा मीठा सा बनेगा, 2 टेबल स्पून डाल देती हूँ मैं चीनी, और इसमें हम डालेंगे लीमू का रस थोड़ा सा,
आपके पास फ्रेश हो तो बोल दूसरा, मेरे पास भी आ जाएगा, फ्रेश नहीं थे इसका कोई इतना ज़्यादा आगे जो है खट्टे नहीं होते। और यहाँ पर मैं इसमें डालती सिट्रस ये सब थोड़ा सा, बिल्कुल 100% ऑप्शनल है। और मैं बहुत थोड़ा सा एक पिंच के करीब जो है यूज़ कर रही हूँ, बस इतना सा, बस इससे ज़्यादा नहीं डालना। आप चाहें तो ना भी डालें, मिला खराब हो सकता है इससे, मर्जी है। और डालेंगे इसमें चाट मसाला, सूरत मिर्च जो है वो मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी, एक पिंच के बराबर, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि वो भी गले में लगती है, वो थोड़ी सी डाली है इतनी सी। और हम इसमें डालेंगे धनिया और पुदीना, और अभी मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छी तरह से, मैं स्पून से। अब हम यूज़ करेंगे स्पून, ये देखें बहुत मज़े का जो है हमारा पानी बन गया है गोलगप्पों का, इतना मेरा दिल कर रहा है इसको जल्दी से पीने को। और बस अब जल्दी जल्दी जो है ना गोलगप्पे बनाते हैं और खाते हैं। अच्छा तो ये जो मैंने अभी टेस्ट किया है, इमली मेरी बिल्कुल भी खट्टी नहीं थी, तो उसको थोड़ा सा खट्टा करने के लिए मैं ये डाल रही हूँ, टार्टरी भी बोलते हैं इसको, तो ये मैंने ऐड किया है क्योंकि इमली जो है ना वो भी मीठी थी, और लीमू का रस भी जो मेरे पास है बोतल वाला इतना ज़्यादा खट्टा नहीं होता, इसका फ्लेवर जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जो है ना मैंने उसमें वो डाली है टार्टरी। और आई होप अब ये बहुत मज़े का खट्टा मीठा सा पानी बन गया होगा, तो अभी मैं जल्दी जल्दी इससे जो है ना गोलगप्पे बनाती हूँ और खाती हूँ। ठीक है, आप भी अपने घर में जल्दी से बना लें और खा लें, बहुत मज़ा आता है सर्दियों में खाने का। फ्रेंड्स अभी यहाँ पर जो है मेरे गोलगप्पे बन गए हैं और मैं एक चेक कर चुकी हूँ, बहुत ही मज़े के बने हैं। तो गोलगप्पे जो है वो खाली लेकर आई थी मैं बाहर से, और दोपहर में मैंने बच्चों के लिए जो है लंच बनाया था, उसमें से मेरे पास आलू रखे हुए थे तो उन्हीं को मैंने मिक्स कर लिया, उसमें मैंने जो है मसाले वगैरह डाल लिए और पानी बनाया, बस साथ में इमली की चटनी भी मेरे पास रखी हुई थी वही इस्तेमाल कर रही हूँ। और जल्दी जल्दी झटपट जो है बहुत मज़े के गोलगप्पे बने हैं, और अब हम सारा खानदान बैठ के जो है ना गोलगप्पे इंजॉय करेंगे इस ठंडे मौसम में, और सुबह को शायद हमारे गले ख़राब हों, लेकिन अभी हम इंजॉय करेंगे गोलगप्पा पार्टी और आपसे मुलाकात करेंगे बाद में। ठीक है, मेरे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।